हम सब भाव से भी करके अर्थ सहित यहाँ पर पूजा करेंगे। अभी सबसे पहले हमने यहाँ स्वस्ति मंगल पाठ किया, पाठ तो पढ़ गए मगर ये पाठ पढ़ने के पीछे जो मूल भाव है उसको एक मिनट में कहता हूँ और उसके बाद में पंडित जी हमें जो जो पूजा कराते जाएंगे, जो मंत्र बुलाते जाएंगे, उसका हम भाव से अर्थ समझ करके अगली बार से जब हम वो मंत्र पढ़े तब हमारे अंतर में किस प्रकार के भाव हो, भेद ज्ञान हो, तत्व विचार हो, उस पर हम थोड़ी चर्चा करते हुए पूजा करेंगे। आज एक दिन के लिए आहार पानी की आकुलता किए बिना, दूसरा और थोड़ा अधिक समय लगे तो भी आकुलता के बिना, एक दिन जीवन में आध्यात्मिक क्रांति के लिए ये महत्वपूर्ण दिन रहेगा। इसलिए हम थोड़ी बहुत पूजा की विधि पहले हो चुकी, वैसे मुझे उनमें भी बहुत कुछ कहना था मगर अभी यहाँ से ही प्रारंभ करते हैं, बाकी का जो रह गया है वो मैं बाद में आपको बता दूंगा। ये जो स्वस्ति मंगल पाठ है, ये स्वस्ति मंगल पाठ कल्याणकारी पाठ है। स्वस्ति का अर्थ होता है सु प्लस अस्ति इज इक्वल टू स्वस्ति। ये स्वस्ति शब्द का अर्थ है संस्कृत भाषा में कि तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो, समय सार में ये स्वस्ति शब्द का उपयोग आया है। और असल में ये है कि ये अस्ति को दिखाने वाला, ये पाठ जब हम करते हैं कि अविनाशी कल्याण हो, अविनाशी कल्याण हो, मगर ये अविनाशी कल्याण कैसे होगा तो ये पाठ करने से नहीं होगा। इसमें स्पष्ट बताया है सु अस्ति, जो अस्ति माने जो चैतन्य की अस्ति है, सत्ता है, इस सत्ता से ही, इस सत्ता के आश्रय से ही मेरा अविनाशी कल्याण होगा। पर की सत्ता से मेरा कल्याण नहीं होगा, स्वयं की सत्ता से मेरा कल्याण होगा। तो जब ये पाठ हम करें, 2400 तीर्थंकर परमात्मा को हम प्रार्थना करें कि मंगलमय हो, मगर उस समय भी जागृति कि इन विकल्पों से मंगल नहीं होता, ये विकल्प तो अमंगल है, ये विकल्पों से मंगल नहीं होता, ये विकल्प अमंगल है। इसलिए ये विकल्प अमंगल है क्योंकि मंगलाती इति मंगल, जो सुख को लाता है वह मंगल है, मगर इन विकल्पों से सुख नहीं आता, इन विकल्पों से क्षणिक इंद्रिय सुख की तरह ही सुख है, असली सुख सत्ता की अस्ति से है। इसलिए अंतर में जागृति के साथ में भक्ति का भाव आए तो इस प्रकार से ये मंत्र, ये मंगल पाठ अपन करते हैं। मंगल का अर्थ है मंग प्लस गल, मंगल जो पाप को नष्ट करता है, गलाता है, और मंग प्लस ल माने सुख को जो लाता है, ऐसा मंगल का दो अर्थ है, 1+2 और 2+1, मंग प्लस गल और मंग प्लस ल। तो इस तरह से ये हम मंगल पाठ किए, अभी आगे हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, पूजन एक ही पूजा आज हम लेंगे, मगर उस पूजा में जिस जिस अर्घ को हम चढ़ाएंगे उस अर्घ का भाव समझते हुए आज हम पूजा करेंगे। आनंद आमृत पीता है, अनुपम सुख तब दिए सिद्ध होता।
बार बार यहाँ पर अर्घ अर्घ बोलते हैं, अर्घ का अर्थ क्या है कौन जानता है? अर्घ किसे कहते हैं, ये अर्घ क्या कहलाता है? तो अर्घ शब्द है, अर्घ का अर्थ होता है जैसे हम किसी व्यक्ति को मिलते हैं उस समय उन्हें भेंट देते हैं, अर्घ का अर्थ होता है भेंट देना। ये भेंट में दे जाने वाली जो चीज होती है उसको अर्घ के रूप में संस्कृत भाषा में उसे अर्घ कहते हैं। आज वो एक दिन के लिए उसको बंदी रखो। तो अर्घ का मतलब है कि जो भेंट में दे जाने वाली चीज है उन चीजों को अर्घ कहते हैं। अर्घ का दूसरा अर्थ होता है जो ऊंचा है, बहुमूल्य है, उन्हें अर्घ कहते हैं। तो जो सबसे ज्यादा बहुमूल्य है उसको हम अर्पण करते हैं जिनको मिलते हैं। तो जो हमारे पास में हो उसको ही अर्पण करना है। खास बात यह कि उधार लेकर के ये अर्घ नहीं चढ़ा सकते, जो अपने पास में है उसको ही अर्घ में चढ़ाना है और बहुमूल्य चढ़ाना है। तो द्रव्य जो है उस द्रव्य को मैं क्या चढ़ाऊ, जो मेरा है उसको चढ़ाओ। तो मेरे पास में क्या है कि अपनी पर्याय है, तो अपनी पर्याय ही द्रव्य को चढ़ाना माने ये बहुमूल्य चीज गिफ्ट में दिया है द्रव्य को, इस भावना से हम अर्घ चढ़ाते हैं। अर्घ का अर्थ है बहुमूल्य भेंट, मैं अर्पण करता हूं। अब आगे चलते हैं। पेज नंबर 185 यहाँ पर जो हमने सबसे पहले पूजा प्रारंभ करते हैं उसमें ये तीन प्रकार से हम मेहमान जो घर पर आते हैं उनका स्वागत करते हैं। पहले हम उनको आवकार देते हैं, फिर उनको कहते हैं विराजमान होइए, और फिर कहते हैं कि हम हमारे और अंतर में आइए, अंतर को पावन कीजिए। तो यहाँ पर तीन बार जो हम ये बोलते हैं मंत्र ओम ह्रीम श्री, ये जो है तीन शब्द है उसको पहले समझ लेते हैं क्योंकि बार बार इन शब्दों का उपयोग होगा। ये बीजाक्षर कहलाते हैं, ये ह्रीम और श्री। और ओम जो है, ओम के बारे में तो आप सब जानते हैं कि तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि ओमकार ध्वनि है, ये निरक्षरी वाणी है। और ओम का दूसरा भाव है पांचों परमिष्टियों का वो समुदाय है, अरियन भगवान का अ, अशरीरी सिद्ध भगवान का अ, आचार्य का आ, उपाध्याय का उ, और साधु माने मुनि का म। ये ओम, ये पांचों अक्षर मिलकर के अ अ आ उ और मुनि का म। तो ओम करके अ और आ, आ और आ, आ और उ, औ और ओ और म, ओ म। तो ये पंच परमेश्वरी वितरागी परमात्मा को ओम कह करके पहले हम प्रार्थना करते हैं। रिम शब्द जो बना है वो चार अक्षरों से बना है, ह र ई और म, उसके ऊपर बिंदी है, जो वो बिंदी। तो र ह जो है वो परमात्मा के लिए उसका उपयोग होता है, हरि के लिए। र जो है वो प्रकृति के लिए उसका उपयोग होता है, र माने प्रकृति। ई का अर्थ होता है, ई का अर्थ है कि वहां पर जो महा, हमारा जो अनंत काल से हमने जो ये माया जाल में जो हम फंसे हैं, ई का मतलब होता है माया। और इन सभी से, प्रकृति से, माया से, परमात्मा से, इन सभी से मुक्त होना है, इन सभी से मुक्त होना है। परमात्मा से भी मुक्त होना है, जगत से भी मुक्त होना है, और उनकी माया से भी मुक्त होना है। इन सभी का नाश हो,
इन सभी से छुटकारा हो। ये बिंदी जो है वो छुटकारा दिलाने के लिए जो है उसका मतलब संस्कृत में ऐसा, तो ह्रीम का मतलब कि मैं सबसे हटू और अपने में आऊ, इसके लिए ह्रीम शब्द का उपयोग होता है। तो ओरोम ह्रीम और श्री, मैं पांचों परमिष्टियों को, मैं वितरागियों को नमस्कार करके मेरे समस्त मोहादि भावों को नष्ट करता हूं, और जब ये नष्ट करता हूं तब मुझे श्री प्राप्त होती है। श्री का मतलब लक्ष्मी, मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो ये तीनों ओम रीम श्री और फिर जिन भगवान को हम नमस्कार करते हैं, तो इसी भावना से वितरागी परमात्मा का शरण लेकर के, ये दिव्य ध्वनि सुनकर के, परमात्मा की वाणी सुनकर के मैं अपने मोह को नष्ट करूं और मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करूं। ओम रीम श्री और फिर अभी महावीर भगवान की पूजा कर रहे हैं तो महावीर जिनेन्द्र, और फिर कहा अत्र अवतर अवतर संभोषण, माने यहां पर आपका आगमन हो, पधारिए पधारिए। फिर कहते हैं तिष्ठ तिष्ठ ठठ, यहां पर विराजमान होइए। तो यहां पर विराजमान होइए माने स्थान ग्रहण कीजिए, ठठ बैठिए बैठिए, ऐसा जो कहते हैं ना ऐसे। और तीसरा अत्र मम सन्नितो भव भव वशट, मेरे हृदय में यहां पर आसन ग्रहण कीजिए माने अंदर में विराजमान होइए, माने पहले दूर से फिर और नजदीक फिर और नजदीक, ऐसा करते हुए भगवान को पहले अपन विराजमान करते हैं। किसी को भेंट देने से पहले, ये अर्पण करने से पहले उनको अपने पास तो बुला ले, दूर से ही दूर से, ऐसे हम लड्डू है लड्डू दूर से नहीं फेंक सकते। किसी को भोजन कराते तो सही तरह से ऐसे भोजन कराते, तो भगवान की ये विधिवत हम यहाँ पर विराजमान करके, विराजमान तो है ही मगर इस भावना से ये आइए, फिर विराजमान होइए और फिर और अंतर में स्थान ग्रहण कीजिए माने अंदर में बस जाइए, पूरे रग रग में बस जाइए। तो इसका जो पूरा अंतर में जो भाव लेना है कि जब तत्व विचार चलता है तब द्रव्य पर्याय में हम आमंत्रण देते हैं कि मेरा जो मोह का भाव जो मंद हुआ है अब द्रव्य का भाव भाषण होता है, अब ये तत्व विचार जो चलता है इस तत्व विचार से फिर वो दशा आई कि पर्याय द्रव्य पर विराजमान हुई, पर्याय द्रव्य पर विराजमान हुई और इतना ही नहीं फिर उस रूप परिणमित भी हो गई माने ध्यान में भी लीन हुई, माने सबसे पहले तत्व विचार फिर उसमें विराजमान होना माने पर्याय में द्रव्य का विराजमान होना और फिर उस रूप परिणमित माने वो ध्यान में रूपांतरित होना। जब वह परमात्मा ध्यान में ऐसे रग रग में जाता है तब वो पूजा किस प्रकार की होती है वो यहाँ अष्ट द्रव्य में हम समझेंगे। आगे चलते हैं, चढ़ाते समय वो भाव भी अपन साथ साथ ले के चले, तो वो मंत्र हम बाद में बोलेंगे। बहुत अच्छा। यहाँ सबसे पहले हम जल को अर्पण करते हैं, उसको भेंट देने को वो निर्वपाम ये शब्द है, निर्वपाम और फिर इति, यह भेंट अर्पण करता हूँ। स्वाहा का संस्कृत में यदि शब्द से यदि अर्थ लेते हैं तो स्वाहा का अर्थ होता है सही तरह से पहुँचाना। कोई माल सामान अपन किसी को पहुँचाते हैं तो अपन कहते हैं ना सही तरह से पहुँचाना, बीच में कहीं ऐसे अटकना नहीं चाहिए, तो देना नहीं पहुंचाना, गच्छामी नहीं पवज्जामी। बौद्ध धर्म में वो बुद्धम शरणम गच्छामी कहते हैं, हम अरहंते शरणम पवज्जामी कहते हैं। गच्छामी का मतलब जाना, पवज्जामी का मतलब है पहुंचना। जाने वाला जरूरी नहीं है पहुंचे, बीच में ही रुक जाए वापिस लौट जाए कहीं दूसरे रास्ते पर चला जाए, मगर पवज्जामी माने पहुंचना। ये जो अर्घ है ये मैं आप तक पहुंचाता हूं, ये उसका भाव है। मगर भगवान के पास में अर्घ पहुंचता ही नहीं है, ये सब
ये जितनी भी सामग्री है ये सब सामग्री भगवान को क्या पड़ी है, ये जितनी भी भक्ति करते हैं उसमें हमारा ध्यान कहीं इधर उधर न भटके, इस वजह से एकाग्रता के लिए ये सब सामग्रियां है। भगवान को खिला नहीं रहे, भगवान को भेंट में नहीं दे रहे, ये सब सामग्री माने भगवान को चढ़ावा करते हैं, ये तो बिल्कुल घोर मिथ्यात्व है। भगवान को चढ़ावा नहीं करते हैं, ये तो एक थाली में से दूसरी थाली में चढ़ावा करते हैं। कि ऐसा यदि देह की क्रिया से हमारी आदत ऐसी है कि ध्यान विचलित ना हो, इसलिए कुछ ना कुछ काम में व्यस्त कर देते हैं कि बाहर ना जाए, मगर यदि ये करते हुए भी यदि बाहर मन जाता है तो इन सामग्रियों का कोई भी मूल्य नहीं है। मुनियों के पास में कोई सामग्री नहीं होती, मुनि अष्टद्रव्य से पूजा नहीं करते क्योंकि उन्हें जरूरत नहीं है। जब इतनी स्थिरता रहती है तो इन सामग्री की जरूरत नहीं है। इसलिए यदि आप कभी सामग्री के बिना भाव से भी पूजा करते हैं, निराश मत होना, मूल प्रयोजन एकाग्रता का है। तो यहां अभी सबसे पहले जल को अर्पण करते हैं, जलम निर्वपामिति स्वाहा, मगर जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय। अब पानी को चढ़ाने से जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय कैसे हो जाएगा, सिर्फ इधर का पानी उधर डाला और जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय। मगर यह जल है वह ऐसा है, जब बच्चा पैदा होता है उसे पिलाया जाता है, खिलाया नहीं जाता। जो बूढ़ा होता है मरते समय उसको भी पिलाया जाता है, खिलाया नहीं जाता, चूरा कर करके कुछ भी कर उसे पिलाते हैं। ये जो जल है ये जल जन्म मरण रूपी जो परिभ्रमण हो रहा है उसको मिटाने के लिए ये एक सिंबल है जल। दूसरा कि जल को ही इसलिए जो सत्संग में अपन लेते हैं कि इसका स्वभाव बहना है। और तीन तीन बातें बताई, जन्म जरा और मृत्यु, क्योंकि ये जो 18 दोष है उनमें जन्म जरा मरण जो है इस अपेक्षा से कि मैं समस्त दोषों से मुक्त हूं और ये ज्ञान की धारा जैसे एक पात्र से दूसरे पात्र में जल जाता है, ऐसे ही जो ज्ञान जो उपयोग पर में था वहां से हटकर के अपने में ढले, उपयोग का ढलना हो और निर्मल जल है ये उपयोग अंतर में ढले। तो अभी हम एक प्याली में से वो पानी को ऐसे डालेंगे, उस समय भी अंतर में ये जागृति अंतर में रहे कि ये देह की क्रिया हो रही है, ये विकल्प हो रहे हैं, मगर ये जो जानने वाला ज्ञान है वो ज्ञान ज्ञान में ही ढले, यही धर्म है। तो देह की क्रिया होती है तो होने दे, और ढलता हुआ जो ज्ञान है, जो जानने रूप परिणमित जो ज्ञान है, जानना जानना ऐसा जो हो रहा है, उस जानने को ही ग्रहण करे। इस पूजा का कोई महत्व नहीं है, अंदर में ऐसे डुबकी लगे कि कब पता नहीं चले कि जल वहां पर चढ़ गया। तो अब उस भावना से ये क्रिया को जोर न देना, वो ज्ञान में जानना का प्रवाह बह रहा है, बस वही जो अभी इसे जान रहा है पानी को, वहां से हट करके द्रव्य को जाने, वहां तक हम पहुंचे। तो इस भावना से हम ये जल अर्पण करते हैं। ओम श्री महावीर जिनेन्द्राय जल मजरा मतुना अपनाए जलम निरुपामिति स्वाहा। यो शांत शीतल ही रहो, रिपु विघन कितने ही करे, संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान, जिन विचरे हमारे ध्यान। यहाँ पर चंदन, दूसरा जल के बाद में हम चंदन चढ़ाते हैं। तो चंदन यहाँ पर तो अभी वो पीला पानी जो चंदन घिस करके उसको ही अपन ने चंदन कर दिया है, वास्तव में तो वो असली चंदन की बात है, मगर ये चंदन जैसे कहीं पर भी हमें जलन होती है तो चंदन का स्वभाव शीतलता है। तो ऐसे ही मैं संसार के ताप से जल रहा हूँ और इसलिए ये चंदन अर्पण करता हूँ। तो संसार के ताप से जल रहा हूं, ये पूजा करते करते ऐसा लगे कि ये पूजा करने के विकल्प जो है यही जलाते हैं, ये विकल्प जलाते हैं, और इन विकल्पों की जलन से मुक्त होकर के ये उपयोग रूपी जो चंदन है वो चंदन ही मैं चैतन्य को अर्पण करूं, ये चंदन को अर्पण करना हुआ। कि चंदन चैतन्य को अर्पण हुआ माने उपयोग चैतन्य को अर्पण हुआ, उपयोग ही चैतन्य को जब अर्पण होता है तो जो जलन थी
जलन थी वो पर के विकल्पों से थी, और वो विकल्प ही जब न रहे तो वो जलन मिट गई, वो असली चंदन चढ़ाना हुआ। ये सिर्फ औपचारिकता है। ये जो चढ़ावा जो होता है, ये चढ़ावा उनमें और इनमें अंतर नहीं है जो बकरे को चढ़ाते हैं और जो चावल को चढ़ाते हैं। क्यों? अभी उसका कारण समझो कि दोनों को एक समान क्यों कह दिया कि बकरों को चढ़ाने वाला जो है वह पंचेंद्री का घात करता है। यहां तो अचित है ना, ये पदार्थ में तो जीवों की हिंसा नहीं है, तो समान क्यों? समान इसलिए क्योंकि जो बकरे को चढ़ाता है वो बकरे को चढ़ा करके पाप बांधता है और नरक में जाता है, और जो चावल को चढ़ाता है वो पुण्य बांध करके स्वर्ग में जाता है। मगर बकरे को चढ़ाने वाला मानता है कि ये धर्म है, चावल को चढ़ाने वाला माने कि ये धर्म है, माने धर्म की मान्यता के कारण वो बकरा चढ़ाने वाला नरक जाकर के निगोद में जाता है और चावल चढ़ाने वाला स्वर्ग जाकर के निगोद में जाता है, क्योंकि देह की क्रिया में धर्म माना है वो मिथ्यात्व है। वो शुभ भाव से स्वर्ग है, अशुभ भाव से नरक है, मगर उनमें धर्म की मान्यता के कारण अंत दोनों का निगोद है। इसलिए हमने कुछ ऊंचा काम नहीं कर दिया है ये चावल चढ़ा करके, तब तक जब तक ये चढ़ाने की क्रिया में धर्म की मान्यता न छूटे। आगे दर्शन वीर जिन अक्षत समान अखंड है, शांत यद्यपि तदपि जो दिन कर समान प्रचंड है। यहाँ पर हम अभी अक्षत चढ़ाते हैं, चावल को चढ़ाते हैं, ये चावल में अभी उगते नहीं है, एक बार इसको बो तो उगेंगे नहीं, तो ऐसा ये कहते हैं कि अब इस पद को मैं अक्षय पद को पाने के लिए ये अक्षत चढ़ाता हूँ। अक्षय पद माने मोक्ष के पद को पाने के लिए। इस चावल का कोई मूल्य नहीं है, इस चावल को अभी हाथ में लेंगे थोड़ा सा ऐसा पानी वाला गीला है ऐसा करोगे तो टूट जाएगा। इस पानी इस चावल का ठिकाना नहीं है, पानी के साथ में होगा तो भी भात बन जाएगा, ये चावल टूट जाता है। तो ऐसे अक्षत का मैं क्या करूं, मैं तो उस अक्षत को पाना चाहता हूं जो कभी न टूटे कभी न मिटे, वो मोक्ष है। तो जब उसकी मुझे भावना है तो ये व्यर्थ का है, तो इसमें से मैं इसमें डाल देता हूं, माने ये काम का नहीं रहा। उस भाव से ये महान चीज नहीं है, ये जो चढ़ाई जा रही है ये सब चीजें उस स्वरूप की अनुभूति के सामने ये सब तुच्छ है, इसलिए तो चढ़ाता हूं, इसलिए तो मैं इसे छोड़ता हूं, स्वाहा करता हूं, नहीं तो पकड़ के रखता काम का होता तो अहो भाव अब तक आता था कि ओ आज तो अक्षत चढ़ा दिया। अरे बिना काम की चीज चढ़ाई है, काम का वैभव इधर है, ये जागृति के साथ में चढ़ाओ तो अहंकार नहीं आएगा। आगे सूर है पर गंध से विरहित, कदापि निज गंध से भरपूर है, संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में, वे वर्तमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। अब यहाँ हम पुष्प चढ़ाएंगे, यहाँ फूल तो है ही नहीं। ये हमने ये जो संप्रदाय नया शुरू हुआ है 13 पंथ संप्रदाय, वहां से ये पीले चावल की परंपरा चालू हुई। पुष्प का अर्थ पीला चावल किसी भी आगम में नहीं लिखा था, ये नई परंपरा चालू हुई। और खास याद रहे कि जो परंपरा नई चालू होती है वह धर्म का अंग नहीं हो सकती, इसलिए इस क्रिया में न धर्म मानना न अधर्म मानना जड़ की क्रिया है। जो असली धर्म है वो अनादि का है, वो स्वरूप की प्राप्ति का है,
ये तो फूलों में जीवों की हिंसा होती है, इसलिए हम फूल को नहीं चढ़ाते। मगर विचार करना कि जो मेंढक अपने मुंह में फूल लेकर के जाता था भगवान के समोसरण में, वो पीले चावल नहीं थे, वो फूल था। तो उस जमाने में जो लेकर के जाता था, और आगमों के प्रमाण है फूल के बारे में, मगर अभी परंपरा वो फूल की ऐसी हो गई है कि फूल ही फूल ज्यादा दिखते हैं और भगवान कम दिखते हैं। आंगिया चढ़ाते हैं, फूलों की इतनी हिंसा होती है। और असल में उस समय जो देव पूजा करते थे वो इस पुष्पक से पूजा नहीं करते थे, वो चांदी के पुष्प थे, वो ऐसे चांदी के पुष्प थे कि जिसमें वो हिंसा ऐसी नहीं होती जैसे इन पुष्पों में होती है। कृपालु देव कहते हैं एक फूल की पंखुड़ी को तोड़ने में इतना पाप लगता है, इसलिए हमने निर्दोष पूजा के लिए ये जो विधि चुनी है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है ये कि हमने पीले चावल करके पुष्प चढ़ाया, क्योंकि वैसे भी पुष्प चढ़ाए तो भी भगवान को खुश नहीं मिलती, ना चावल पीला चढ़ाए तो भी ना खुशी मिलती है। हमें तो हमारा उपयोग स्थिर रखना है, यही प्रयोजन था ने, इस वजह से हमने पीले चावल में पुष्प को स्थापित कर दिया। जैसे मूर्ति में हमने भगवान को स्थापित किया, ऐसे ही हमने चावल में पुष्प को स्थापित कर दिया। अब हम अपनी पर्याय में त्रिकाली को स्थापित करें, इस भावना से ये पुष्प चढ़ाते हैं। मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। संतत मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में, ये और फिर हम ये अर्घ चढ़ाते हैं कि वो जो मानस हमारा जो मन जल रहा है उसको शांत करने के लिए। तो अर्घम निरुपामिति स्वाहा करते हैं, ये जो भाव आया है कि मन शांत हो गया, ये शांत नहीं है, ये भी जल रहा है। चावल को चढ़ाने के विकल्प से ये मन जल रहा है, ये बर्दाश्त नहीं होता मुझसे भगवान, इसलिए संतप्त मानस तो स्वरूप से ही शांत होगा, आपसे नहीं। इसलिए मैं आपको भी छोड़ता हूं और ये नैवेद्य को भी छोड़ता हूं, और छोड़ने के भाव से भी छोड़ करके अपने में लीन होता हूं, ये स्वाहा का भाव है। यहां जो नैवेद्य चढ़ाते हैं क्षुधा रोग विनाशनाय, कि इतना भोजन किया मगर मेरी भूख न मिटी, अब ये व्यर्थ का हो गया, कुछ काम में नहीं आया ये भोजन, इसलिए हे भगवान ये भोजन को चढ़ाता हूं। तो आपको थोड़ी खिलाता हूं, क्योंकि मेरे को पता चला कि इससे भूख नहीं मिटती तो आपको नहीं पता क्या? इसलिए भगवान को ये पकवान नहीं चढ़ाते, ये नैवेद्य नहीं चढ़ाते, ये तो ऐसा है कि मैंने भी छोड़ा, आपको देख करके मैं छोड़ता हूं। और ये स्थिति ऐसी है कि जैसे कोई स्टेज पर बैठा हो और कोई फूल से उसका स्वागत करे, तो जिसका स्वागत किया, एक दो एक बात बता देता हूं, एक जगह स्टेज पर ऐसा ही हुआ था, किसी ने स्वागत किया और स्वागत करने के बाद में वो फूल का जो हार था वो मैंने उतार दिया, वहां पर स्टेज पर रखा नहीं, मगर उस समय विचार आया कि बाद में ले जाऊंगा, यहां से पहन करके बैठते तो नहीं स्टेज पर, तो उसने अर्पण कर दिया और मैंने उतार के रख दिया, दो में से किसी ने नहीं लिया। फिर थोड़ी देर के बाद में देखा कि किधर गया वो हार, कि गायब हो गया था, कोई तीसरा था उसकी नजर उसके ऊपर थी। तो हे भगवान मैं फिक्र नहीं करता, मैं हार चढ़ा देता हूं, आप हार को पहनते ही नहीं है, पड़ा रहता है हार, उस हार का क्या होगा, कोई ना कोई लेके चला जाएगा, उसकी फिक्र ना मुझे है ना आपको है, हम मस्त होकर के जीते हैं। ओम श्री महावीर दिनेंद्राय चुदा रोग नाशनाय नैवेद्यत्र पामिति स्वाहा। जल के नित्य केवल ज्ञान में रैनोग्य दीपक वीर जिन दीपक चढ़ाऊ क्या तुम्हें। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों
गान में वर्तमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। यहाँ अभी हम दीप चढ़ाएंगे माने पीला कोकोनट पीला नारियल चढ़ाएंगे, तो उसमें भी ये असल में जो दीप था वो रत्नों के दीपक से भगवान की आरतियां होती थी। स्वर्ग के देव असल में पूजा करते हैं, असली पूजा जो है वो मनुष्य नहीं करता। ये सत्य है, पूजा की सामग्री मनुष्य के पास में वो होती ही नहीं है। ये पूजा देवों के नाम की पूजा है, देव ही पूजा करते हैं, क्योंकि वो मोक्ष में नहीं जा सकते तो पूजा ही करनी पड़ती है। हम मोक्ष में जा सकते तो काय को पूजा करें, इसलिए हम अपने में लीन होते हैं। ये देवों पूजा देव, ये जो चांदी के पुष्प, ये जो रत्न के दीपक, इसलिए जब हम आगे आगे कहेंगे ना शास्त्रोक्त विधि पूजा महोत्सव सुरपति चक्री करे, हम सारी खे लघु पुरुष कैसे यथा विधि पूजा करे, हम कैसे पूजा करें, वो तो देव ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारा काम तो ध्यान में लीन होकर मुनि होने का है। इसलिए हमें जो इतना ऊंचा पद मिला है फिर भी पूजा करने में मजा आता है, माने स्वर्ग का मजा हम लेना चाहते हैं, मनुष्य भव का उपयोग करना नहीं चाहते। आगे ओम श्री महावीर निद्राय वो हंत काय रहताय दीपम निरपाम दीपा मदीन दहन पावक पूंज पवन समान है हवन के कुंड में जब आहुति देते हैं ऐसे, तो बोले कि ये धूप को वहां पर चढ़ाते हैं, उसको धूप को जलाते हैं, उससे सुगंध आती है। धूप को चढ़ाने से जलाने से वो सुगंध आती है, तो यहां पर इस धूप ने मुझे कोई भी आनंद नहीं दिया, सुगंध तो दी इस धूप ने, मगर अगंध ऐसा चैतन्य उससे तो परिचय ही नहीं हुआ, तो ये धूप का क्या महत्व है, इसको मैं छोड़ता हूं, ये मेरे काम की चीज नहीं है, ये काम की चीज नहीं है ये धूप, क्योंकि इससे सुगंध सिर्फ मिलती है। मगर इसमें जो लिखा है कि अष्ट कर्म आठों कर्मों को जलाने के लिए ये धूप, धूप से आठ कर्म क्या एक कर्म भी नहीं जलता, ये धूप से आठ कर्म जलते हैं ऐसी मान्यता से मिथ्यात्व का कर्म बनता है, जलता कुछ भी नहीं है। इसलिए एक ही जागृति कि ये धूप को मैं अर्पण करता हूं, क्योंकि ये धूप मेरे लिए काम में नहीं आता, जहां मुझे जाना है वहां ये काम में नहीं आता, इसलिए खाली धूप बोल करके अब मैं धूप से मुक्त होता हूं। जे गाम जऊ नहीं ये गाम नो नाम लेऊ नहीं, ये धूप को मैं छोड़ता हूं। ओम स्वामी जिनराय अष्ट कर्म धराय धूपम निरपाम दीपा जगत फल भोगता नित पुण्य एवं पाप का सब त्याग समरस निरत जिनवर सफल जीवन आपका संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वे वर्तमान महान जिन विचरे हमारे ज्ञान में। अब यहाँ आठवा द्रव्य है, आठवां द्रव्य है मोक्ष फल प्राप्त ये फलम निर्वपामिति स्वाहा। ये सबसे अंत में आया। जब मेहमान घर पर आते हैं तो हम उनको रोटी सब्जी ये सब खिलाते हैं, सबसे अंत में फल आता है, हम फ्रूट ला करके फ्रूट खिलाते हैं, ऐसे ही ये सबसे अंत में फल, फल माने एंड में आने वाला। जैसे बीज को बोते हैं फिर अंकुर निकलता है, फिर उस पर पत्ते आते हैं, फिर वह विकसित होते हैं, फिर फूल आते हैं, और अंत में जो आता है वह फल आता है,
इसलिए मोक्ष को फल के रूप में कहा कि सबसे अंत में आता है। ऐसा मोक्ष फल पाने के लिए ये मैं बादाम चढ़ाता हूं, मोक्ष का फल पाने के लिए मैं बादाम चढ़ाता हूं। बादाम चढ़ाने से मोक्ष का फल कैसे मिलेगा? एक थाली में बादाम थी और दूसरी थाली में डाल दी तो मोक्ष का फल नहीं मिलता। मोक्ष का फल मिलता है कुछ भी न करूं और चुपचाप बैठा रहूं, ये डालने का जो काम करता हूं उससे संसार मिलता है, ये काम बंद कर दूं तब मोक्ष का फल मिलेगा, ऐसी भावना के साथ में ये मोक्ष फल प्राप्त है। फलम निर्वपामिति स्वाहा करना। ओम श्री महावीर चंद्राय, मोक्ष फल प्राप्त है, फलम निर्वपामिति स्वाहा। आठों द्रव्य को मिला करके अर्घ बना। ये अर्घ माने वो जो सामग्री जो हम पूजा में चढ़ाते हैं, पूजनीय जो है उनके प्रति हम ये चढ़ाते हैं। ये शब्द तो मूल संस्कृत में वही है कि सामग्री जो है पूजा चढ़ाने में जो सामग्री होती है उसे अर्घ कहते हैं। मगर जब ये अर्घ हम चढ़ाते हैं तब उस समय ये भाव आना चाहिए अनर्घ पद प्राप्त। ये अर्घ जो चढ़ाता हूं वो उस पद को पाने के लिए कि जो इनसे भी पार है, ये जो चढ़ावे से जो पार है उस पद को, और उसका भाव है ये अर्घ में चढ़ाता हूं अनर्घ पद की प्राप्ति के लिए। जो चढ़ा रहा हूं, जो मैं चढ़ा रहा हूं उसको मैं अनर्घ पद की प्राप्ति के लिए, मैं उनको अनर्घ पद की प्राप्ति के लिए ये अर्घ को चढ़ाता हूं। यहां बहुत सूक्ष्म उसका भाव था। जब ये पूजा की रचना हुई है ना उस समय इतना सूक्ष्म भाव था कि जो चढ़ाता है, जो चढ़ता है अर्घ अनर्घ पद की प्राप्ति के लिए, तो पर्याय द्रव्य को चढ़ती है, पर्याय द्रव्य को अर्पण होती है। तो पर्याय द्रव्य को अर्पण होती है पर्याय को पाने के लिए नहीं, द्रव्य को पाने के लिए। द्रव्य माने अनर्घ, द्रव्य माने अनर्घ, पर्याय माने अर्घ। तो पर्याय द्रव्य को पाती है वो द्रव्य को पाने के लिए नहीं कि खुद को पाने के लिए। तो ऐसे ही मैं अर्घ को चढ़ाता हूं अनर्घ की प्राप्ति के लिए। ये आठों द्रव्य मिलकर के अनर्घ पद नहीं मिलता, एक ही पर्याय द्रव्य में मिल जाए तो अनर्घ की प्राप्ति होती है, अर्घ उसका नाम है। यहां लेते ओम महावीर अनर्घ्य प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामिति पांचों कल्याणक के यहां पर अर्घ चढ़ाते हैं, क्योंकि वे कल्याणक है, क्योंकि उन घटनाओं से भी हमारा कल्याण हो सकता है। इस वजह से ये पांचों कल्याणक की हम पूजा करते हैं। ये महावीर भगवान के पांचों कल्याणक का अर्थ हम यहां पर लेंगे, एक साथ में ही सब ले लेते हैं। Shri Mahavijayendra, Arjuna Pandit, 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 Shri M
पंडिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय जन्म निरुपाम जी स्वाहा। अभी यहाँ हम जय माला पढ़ेंगे। ये जो अंत में कहा था अनर्घ पद प्राप्त ये अर्घम निर्वपामिति स्वाहा, तो अनर्घ पद की प्राप्ति हुई, पर्याय ने द्रव्य को पाया, ये असली पूजा है। अर्घ चढ़ा अनर्घ को, पर्याय चढ़ी द्रव्य को, पर्याय अर्पण हुई द्रव्य को, पर्याय दर्पण को प्रकट हुई, ये द्रव्य को प्रकट हुई। द्रव्य को प्रकट होने पर पर्याय द्रव्य को जब पा लेती है उस समय एक समय की अनुभूति हुई, वो उस समय द्रव्य का आदर किया। पर द्रव्य की पूजा हाथ जोड़ करके होती है, निज द्रव्य की पूजा वो अंतर के अनुभूति से होती है। तो एक समय की सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट हुई वो अर्घ चढ़ा तब। तो एक पर्याय नहीं, दूसरी पर्याय नहीं, ऐसी कितनी पर्याय बार 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 द्रव्य का आश्रय ले। ऐसी पर्याय द्रव्य का जब आश्रय ले, एक पर्याय, दूसरी पर्याय, तीसरी पर्याय, उस समय वो अंतर से भगवान की असली भक्ति होती है। तो इसलिए अब हम जयमाला बोलेंगे। जयमाला का असली अर्थ ही यह है कि ये पूजा जो की उसका फल ऐसा आए कि ये निर्विकल्प अनुभूति की धारा चलती रहे। एक बार हुई वो बार बार चलती रहे, ये जयमाला है। क्योंकि माला शब्द है, माला का मतलब मोतियों की माला होती है। एक मोती, दूसरा मोती, तीसरा मोती, ऐसे ही जो पहला मोती माने पहली पर्याय वो धागे में, फिर दूसरी पर्याय धागे में, तीसरी पर्याय धागे में, ऐसी बार बार सभी पर्याय द्रव्य का आश्रय ले तब वो माला तैयार होती है अनुभूति की धारा की। और वो माला त्रिकाली ध्रुव का जयकारा है, इसलिए असली पूजा का फल जय माला है। वो जय माला का भाव यह है, अनुभूति की धारा। एक समय की अनुभूति का नाम सम्यक दर्शन, और बार बार यह अनुभूति हो रहे, होती रहे, तो वो ध्यान की मुनि दशा। अभी मुनि दशा पर पहुंच रहे, आगे उसका भाव समझेंगे। ये पूजा के तात्कालिक बाद में जय माला आती है, तो वहां संतोष नहीं करना है। पूजा के बाद में जय माला होनी चाहिए, एक बार प्रश्न हो गई और बस, ऐसा नहीं, वो धारा चलती है। इसलिए जयमाला के बिना की पूजा ठीक नहीं है। ये जयमाला तपस्या मधरण की
त्यागे तुच्छ जानवे उन्हें मानते हैं महा उनमें निषद न रहे लीन वे पुण्य पाप में ही प्रवीण पुण्य पाप से पार आप बिन पहचाने पाए संताप संताप हरण सुख करण सार शोतात्म स्वरूपी समय सार तुम समय सार हम समय सार संपूर्ण आत्मा समय सार माला में हमने जो पढ़ा एक एक वचन को यदि गौर से ध्यान से पढ़े तो इतना रहस्य है, इतना बार बार हम ये बोलते जाते हैं, इतना बार बार हम ये बोलते जाते हैं कि जिनको तुम त्यागे तुच्छ जान वे उन्हें मानते हैं महान। हे भगवान, आप जिनको तुच्छ जान करके छोड़ते हो ये उनको ही महान मानते हैं। किन किन को आपने छोड़ा कि आपने आदिनाथ भगवान की भक्ति के विकल्प को छोड़ा और आपके भक्त आपकी भक्ति के विकल्प को उपाधेय मानते हैं कि आज तो पूजा करने में आनंद आ गया। हे भगवान, ये आपका अपमान करता हूं, मैं ऐसा अपमान नहीं करूंगा। अब मैं आपकी भक्ति करने में वो धर्म न मानूंगा, ये भक्ति धर्म नहीं है। यहां पर आग और आग में मैं जल रहा हूं, यहां पर जल नहीं है, जल तो सामने दिखता है, ये चंदन सामने दिखता है, मगर जो पर्याय में ये विकल्प उठे हैं ये विकल्प जल चंदन नहीं है, ये विकल्प जहर है। ये जहर चढ़ाने के लिए मैं नहीं आया, यहां पर तो मैं अपने अमृत का अनुभव करता हूं और जल जहर ये सब कहां चला जाए मुझे पता न रहे। मैं इतना उस मस्ती में मेरा मगन हो गई जैसे शाम में, ऐसे ही हे वितरागी परमात्मा, आप तो वितरागी हैं, आप तो राम हैं, श्याम नहीं हैं, आप तो वितरागी हैं। और वितरागी परमात्मा, मैं आपकी भक्ति करूं, उस समय एक समय के लिए ये भक्ति के भाव में मुझे आनंद ना आए, उल्लास ना आए। भक्ति तो उल्लास से करनी चाहिए, नहीं श्रद्धा ये कहती है उल्लास से भक्ति मत करना, उदासीन होकर के भक्ति होती है। और उदासीनता, उदासीनता में गम नहीं है, उदासीनता में भेद ज्ञान की धारा चलती है, तब अंदर का जो अपूर्व आनंद है वह प्रकट होता है। थाली उधर पड़ी रहे, देह भी थाली के साथ पड़ा रहे, और ये परमात्मा भी उधर जहां है वहां पड़े रहे, और ये पर्याय द्रव्य में अभेद हो, ये जयमाला पूर्णार्घ निर्वपामिति स्वाहा है। अभी हम करते हैं प्रभु आपका वह मेरा वर्तमान जो आपका भविष्य मम जान भविष्य मम जान नमो चंद चरण चंद लगे मन वचन सजतरा मन आत्म ज्योति जगे।
एक स्त्री से मन नहीं भरा तो दूसरे स्त्री की ओर जैसे पुरुष का चित्त जाता है, ऐसे ही महावीर भगवान से पेट नहीं भरा तो चंद्रप्रभु भगवान में गया। ये विकार फिर ट्रांसफर हुआ। ये विकार है, ये धर्म नहीं है। ये विकार है, ये धर्म नहीं है। जैसे वहां स्त्री से, एक स्त्री से संतुष्ट नहीं हो तो दूसरी, दूसरी से संतुष्ट हो तो तीसरी, ऐसे स्त्री को बदलता है, ऐसे यहां तीर्थंकर को बदलता है। मगर चैन नहीं पड़ता। महावीर भगवान की भक्ति करके चैन पड़ गया होता तो चंद्रप्रभु भगवान के पास काई को आता। एक स्त्री से मन भर गया, यदि शांति मिली तो दूसरे के पास क्यों जाता? ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। तो अधर्म करने क्यों बैठा है? कि ये अधर्म करने के लिए बैठा तभी ये पता चला ये अधर्म है, इसलिए ये अधर्म करने भी बैठा है। अब जो है अपन एक एक से मन नहीं भरा तो 24 के पास अब जाते हैं। अब सुनना तो, अभी तो अनंत सिद्धों तक पहुंचेंगे, मगर पराया ही चाहिए, खुद से संतोष नहीं है, ये जागृति रहे। ये भक्ति का भाव आता है, भक्ति का भाव आता है। हंसी अंदर ही अंदर आनी चाहिए कि हे भगवान मैं क्या कर रहा हूं, ये क्या कर रहा हूं, उसमें महानता का भाव नहीं। इसलिए ये शब्द मुनिवर राम से पाहुड़ दोहा में कहते हैं कि जब ये सब देखता हूं और ये देखता हूं तब मन ही मन हंसी आती है कि ये क्या हो रहा है ये सब। मगर इतना थक जाओ, 2400 से थको, और अभी तब 24 से शांति नहीं मिलेगी, तब त्रिकाल 24 ही पे पहुंचेगा, तीनों काल के 72, और तब जाके फिर अंत में जाए कि 720 तीर्थंकर भी पहुंचेगा कि या भरत के ही नहीं, अब तो हम विदेह भी जाते हैं, ऐरावत भी जाते हैं। मगर अंदर में अज्ञानी को, अंदर में जब ये बोलू ने तो झटका लगता है कि इतने महान भगवान की पूजा को ऐसे कह रहे हो। कल ही जो कह रहे थे ना कोई कि इसको जहर काई को कह दिया, मंदिर को कारागृह कह दिया, कि यहां पर मिथ्यात्व की हथकड़ी से बंधा हुआ मैं, कारागृह मेरा कहां छूटा, घर छूटा, मंदिर आया, एक जेल में से दूसरी जेल में आया। मगर हथकड़िया तो वही है, पुरानी जेल में था अब नई जेल में आया, पुराने देह में था अब नए देह में आया, मगर मिथ्यात्व की हथकड़ी तो वही की वही है, और बीच में भी हथकड़ी थी। एक जेल में से कैदी को दूसरे जेल में ले जाते हैं तो पुलिस की गाड़ियों में भी वहां हथकड़ी से बंधा है। एक भव से दूसरे भव में आया तो मिथ्यात्व को विग्रह गति में भी लेके आया था, वो मिथ्यात्व की हथकड़ी वहां भी छुट्टी नहीं थी, सदा काल बंधा रहा। तो यहां मैं कैसे मानूं कि भगवान आपकी भक्ति करके मैं मुक्त हो गया? ये भी बंधन है। अब मैं स्वरूप के अलावा कहीं नहीं जाऊं, चैतन्य 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 ऐसा। पहचान उसी में लीन हुए, हुए प्रभु ऐसा मधुर तुम।
बताया कि एक वो अपने अखबार चल रहा है तो उसके लिए पेज नंबर 258 पर नीचे वाला अन्य है। यहाँ पर भी 16 कारण भावना का अर्घ चढ़ाते हैं। जैसे मैंने कहा कि 16 कारण भावनाओं से तो तीर्थंकर प्रकृति बनती है, जो बंध का कारण है उसका अर्घ क्यों चढ़ाते हैं, मगर ये बंध के कारण का अर्घ नहीं चढ़ाते। फिर से आपको कहूँ, क्योंकि ये जो शुभ भाव जो है उन शुभ भाव के साथ में जो वितराग परिणति है जिससे निर्जरा है, वो वितराग परिणति के कारण भूत जो है वो अंतर में इस भावना से कि वो व्यवहार से षोडश कारण भावना अलग है और निश्चय उसका अलग है। यहाँ निश्चय की पूजा है, व्यवहार की पूजा नहीं है। जैसे देवशास्त्र गुरु में गुरु की पूजा करते हैं तो 28 मूलगुण की पूजा नहीं करते, वो वितराग परिणति की पूजा करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर निश्चय जो षोडश कारण भावना है उस वितरागता को ही पूजा करते हैं, पुण्य की पूजा नहीं है। यहाँ महाअर्घ्य लेंगे क्योंकि हमारे पास में सभी की भक्ति के लिए अभी एक एक की भक्ति के लिए समय नहीं है। और महाअर्घ्य ये है कि ये सब भक्ति करते हुए सभी के प्रति अहोभाव आता है। जब अंतर में अनुभूति होती है तब वो राग का भाव आए बिना नहीं रहता है। गुरुदेव की भाषा में राग का भाव आए बिना नहीं रहता कि जिन जिन निमित्तों से मैंने इस चैतन्य तत्व को पाया है, मैंने इस परमात्म स्वरूप का अनुभव किया है, उन सभी के प्रति भक्ति का भाव आता है। मगर उन भावों को भी मैं उतना दूर देखता हूँ जैसे नरक में वैतरणी बहती है, उसमें भी मेरी रुचि नहीं है। क्योंकि चैतन्य के मध्य लोक में ये भाव पैदा नहीं होते, ये भाव तो विकल्प है, विकल्प है, इसलिए मेरी रुचि नहीं है। विकल्प को वैतरणी समझना, ये विकल्प वैतरणी है, ये बह रहे हैं। ये पहले भाव आएगा अरियन को पूजू, फिर सिद्ध को पूजू, फिर आचार्य को पूजू, उपाध्याय को पूजू, ये चैतन्य नहीं है, ये विकल्प है, ये चारित्र मोहनीय कर्म के उदय का परिणाम है, इससे बंध है। ये उदय से होने वाला परिणाम है, ये बंद कराने वाला परिणाम है, इसलिए इसमें धर्म नहीं है। खुश नहीं होना है, उछल कूद नहीं करना है। ये महार्घ पढ़ते समय भी अंतर में ये महाचैतन्य सत्ता जो है, इस चैतन्य सत्ता के अतिरिक्त और कुछ भी महान नहीं है। तो ये पूजा होती है, होती है, अंदर में कितनी बार डुबकी लग जाए, ऐसा ये चैतन्य कि जिस चैतन्य की महिमा इतनी आई कि महाअर्घ चलता हो। मगर ये महाअर्घ असल में तो महाअर्घ उसका नाम है कि ये महाअर्घ हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाए, क्योंकि एक एक चीज वहां पर मिलती थी। यहां पर अंतर मुहूर्त तक ये अर्घ चढ़ता रहा, महाअर्घ चढ़ा। इसलिए अभी एक एक को लेंगे, जितने भी ये सब जो है ये शुभ भाव के ये निमित्त है, और जो शुभ भाव के निमित्त है उनकी महिमा ना आए। मुझसे महान इस जगत में और कोई नहीं है, बस ये पूजा चैतन्य, मुझ माने चैतन्य, नीच चैतन्य परमात्मा में ही समा जाऊ, कि ना मंदिर का पता चले, ना परमात्मा का पता चले, ना तीर्थ का पता चले, ना तीर्थ क्षेत्र का पता चले, कुछ नहीं, मैं चैतन्य चैतन्य चैतन्य। भाषित मैं न पूजू द्वादशा
इस महाअर्घ में सबसे पहले ऊपर की दो पंक्ति पढ़े, क्योंकि ये रोज आप पढ़ेंगे उसका भाव समझ लें। सबसे पहली दो पंक्ति में पंच परमेष्ठी को अपन ने पूजा की, भाव से उनकी भक्ति की। पहली दो लाइन में पंच परमेष्ठी है, फिर दूसरी जो दो लाइन है उसमें देवशास्त्र गुरु को अलग से लिया है, इसलिए अरिहंत द्वादशांग और दिगंबर मुनि माने देवशास्त्र गुरु। तीसरे में जो लिया है उसमें धर्म के 10 लक्षण और षोडश कारण भावना, तो वहाँ पर भी धर्म के 10 लक्षण भी धर्म है और षोडश कारण भावना है, उसमें भी जो निश्चय से है वो भी धर्म है, इसलिए ये 10 और ये 16, 10 धर्म और षोडश कारण भावना। इसके अलावा आगे पंचमेरु नंदीश्वर जिनाले जो वहाँ पर ढाई द्वीप में, ये सभी पंचमेरु विदेह क्षेत्र में पंचमेरु है, नंदीश्वर जिनालय जो आठवां द्वीप है वहाँ पर अकृत्रिम जिन चैत्यालय है, तो वहाँ की पूजा। और फिर यहाँ कैलाश समेत गिरनार चंपापुरी पावापुरी ये जो तीर्थ है ये सब अलग अलग क्षेत्र होते हैं, तीर्थ क्षेत्र है, अतिशय क्षेत्र है, सिद्ध क्षेत्र है, ऐसे अलग अलग क्षेत्र होते हैं। तो तीर्थ क्षेत्र जो है वो तीर्थ का अर्थ होता है, जहाँ तीर्थंकर का संबंध होता है उन्हें तीर्थ क्षेत्र कहते हैं। तो पावापुरी तीर्थ क्षेत्र है, कैलाशगिरी सिद्ध क्षेत्र है और तीर्थ क्षेत्र भी है क्योंकि तीर्थंकर भगवान का है। तो जहाँ से जीव कोई सिद्ध हुए हो उस क्षेत्र को सिद्ध क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पर तीर्थ का निर्माण हुआ हो उसे तीर्थ क्षेत्र कहते हैं। इसका भाव क्या है कि जहाँ तीर्थ पहुँचा है वह तीर्थ क्षेत्र है, और ये जिससे जीव तीर जाता है, तीर्थ शब्द बना है, जिससे तैर जाता है, तीर जाता है, वह तीर्थ है। तो ये तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि जो है वही वास्तव में तीर्थ है, इसलिए उन्हें तीर्थंकर कहते हैं, बाकी को तीर्थंकर नहीं कहते क्योंकि उनकी दिव्य ध्वनि है वो तिराने वाली है। इसलिए हमारा जो यहाँ पर प्रवचन हॉल है, ये प्रवचन हॉल जहाँ पर ये वाणी जो निकलती है, गुरुदेव की पुकार निकलती है, कृपालु देव की पुकार निकलती है, ये वाणी तिराने वाली है, इसलिए ये जो भूमि है यही तीर्थ क्षेत्र है। तीर्थ क्षेत्र होता क्या है, जहां गुरुदेव की पुकार जहां निकले वो भूमि तीर्थ क्षेत्र है। कोई भी भूमि तीर्थ नहीं होती है, जहां ज्ञानी के चरण पड़े वो भूमि तीर्थ हो जाती है। शांति पेज नंबर निकाल लीजिए 265। यहाँ पर ये शांति पाठ हम लेते हैं। शांति पाठ की जरूरत क्या है, इतनी पूजा करके भगवान शांति नहीं मिली इसलिए तो शांति पाठ की जरूरत पड़ी। शांति मिल गई होती तो वहीं पर ही शांति पाठ हो जाता, माने इतना तो पक्का है कि परमात्मा आपकी भक्ति करने से तो शांति नहीं मिलेगी, अपने में लीन होकर के ही शांति मिलेगी। फिर भी शांति पाठ कर रहा हूं और इस शांति पाठ के विकल्प को मैं अशांति समझ करके शांति पाठ कर रहा हूं। शास्त्रोक्त विधि पूजा महोत्सव
सुरपति चक्री करे हम सारी खेल लघु पुरुष कैसे यथा विधि पूजा करे ज्ञान रहित न जाने नीत पूजन नाक जी हम भक्ति वश तुम चरण आगे जोड़ मंगल करण आशा वरण चिन्ह पूजा सही यह चेतन श्रद्धान मेरे शक्ति है स्वयं में वही तुम सारी के दातार पाए काज लघु चाचू कहा मुझे आप सम कर ले स्वामी यही एक वांछा महा संसार भीषण विपिन में वसु कर्म मिल आता पियो विसदाहते आकुलित चिरते शांति थल कहू नालियो तुम मिले शांति स्वरूप शांति करण समरत वसु कर्म मेरे शांति कर दो शांतिमय पंचम गति जब लो नहीं शिव लहु तब लो देह यह नर पावना भीतर में ये जागृति रहे कितना स्पष्ट हम बोलते हैं कि तुम बिन अनंतानंत काल गयो रुलत जग जाल में अब शरण आयो नाथ युग कर जोर नावत भाल में हे भगवान आपके बिना अनंत काल मेरा ऐसा गया ये कितनी झूठी बात हम बोलते हैं क्योंकि ये पूजा की भाषा ऐसी होती हे भगवान आपके बिना अनंत काल गया आप नहीं मिले थे आप यदि नहीं मिले थे तो केवली आगे रही गयो कोरो अनंत बार केवली के पास गया वो कौन था आप तो पहले भी मिले थे कोई पहली बार नहीं मिले हो अनंत बार आप मिल गए हो मगर यहां जो लिखा तुम बिन अनंतानंत काल गयो रुलत जग जाल में समझना कि निज चैतन्य परमात्मा के बिना अनंत अनंत काल संसार में भटका हूं हे परमात्मा आप हो वही मैं हूं मैं दूसरा महावीर हूं मैं दूसरा महावीर हूं ऐसा भाव अंदर में आए कि मैं दूसरा महावीर हूं तब तक धर्म नहीं है और आगे जाओ कि मैं पहला महावीर हूं और ये दूसरे महावीर पहले नंबर पर तो मैं ही रहूंगा बाकी सब पराए दूसरे नंबर पर सब पराए दूसरे नंबर पर क्योंकि पहले पर जीव होता है मैं अमूर्ति हूं और ये मूर्ति है जीव पहले नंबर पर है पुद्गल दूसरे नंबर पर होता है इसलिए मूर्ति को दूसरे नंबर पर रखो पहले नंबर पर अमूर्ति चैतन्य को रखो ऐसी भावना से शांति पाठ अंदर में हो कि शांति में ही शांति में उसे पता न चले कि कब बाहर जाना था उसको समय की ओर ध्यान ही न जाए क्योंकि समय सार में इतना मस्त है ऐसी हमारी पूजा रोज होवे ऐसी भावना से आगे यहां पर अभी हम नाटक करेंगे ये ड्रामा करेंगे नौ बार नमोकार मंत्र
वास्तव में नौ बार नमोकार मंत्र ऐसे होता ही नहीं है। नौ बार नमोकार मंत्र ऐसा कहां लिखा है? यहां कायोत्सर्ग लिखा है। वो कायोत्सर्ग था, काया से उत्सर्ग, कि जब इतनी शांति अंतर में प्रकट हो गई, इतनी शांति प्रकट हो गई कि काया का उत्सर्ग हो गया। वो शांत पर्याय ऐसी हो गई कि न अब कुछ करना है, धरना है, अर चढ़ाना है, पुष्प चढ़ाना है, न परमात्मा है, न मैं ध्यान में लीन हूं, कोई विकल्प नहीं, तो काया का उत्सर्ग हो गया। वो निर्विकल्प ध्यान माने कायोत्सर्ग। अब वो निर्विकल्प ध्यान पूजा के अंत में हमारा होना चाहिए था, जो नहीं हुआ, इसके बदले में हमने ड्रामा करके हाथ ऐसे रख देते हैं और नौवा नमोकार मंत्र का पाठ कर लेते हैं। वो नौवा नमोकार मंत्र था ही नहीं, वो ध्यान की दशा थी, मगर फिर भी कुछ न करें उससे बेहतर नौवा नमोकार मंत्र का पाठ करते हैं। उसमें भी गड़बड़ ये होती है कि सब खड़े होकर के पाठ करते हैं, मेरा तीन बार पूरा नहीं होता तब तक लोगों का नौ बार हो जाता है, उसमें भी ड्रामा, झूठ में इतना झूठ मिलता जा रहा है। इससे ये प्रथा चालू हो गई कि नौवा नमोकार मंत्र का पाठ भी अब मन में नहीं करेंगे, बोल करके करूंगा कि सबका एक साथ में होगा, माने कोई कम करके, पता ही नहीं कौन सी सुपरफास्ट चलती है कि नौवा नमोकार मंत्र का पाठ तुम्हें एक मिनट के अंदर कैसे हो जाता है। फिर भी हम करते हैं, नहीं नौवा नमोकार मंत्र का पाठ भाव से करते हैं, सब मन से करते हैं। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान। यहां पर भी अंदर में जब हम रोज इस प्रकार से नवकार मंत्र का पाठ करें, एक समय ऐसा आना चाहिए अंतर से जब आप भक्ति करेंगे ना, अंतर की भक्ति होगी तो ये नववार नमोकार मंत्र का पाठ छूट जाएगा। नमोकार मंत्र का जाप होगा मगर नववार वाला जो वो छूट जाएगा, क्योंकि एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, वो गिनती करने में तो वो जो वितरागी है उसकी जो मस्ती है वहां से हटकर के गिनती में आ जाते हैं। अभी तो चार हो गया, अभी पांचवा चल रहा है, अभी छठा चल रहा है, इसलिए मैंने ज्ञान दीपकों को कहा कि 11 बार का ये मंत्र जाप भी करते हैं, वो भी अब गिनती छोड़ करके भाव से, जब तक ये भाव आता है तब तक ये चलता रहे। एक एक दो दो को गिन करके ये ठीक नहीं लगता है, एक एक की गिनती। किसी को आप भोजन कराते हो, मेहमान घर पे आए, मैं किसी के घर पे खाना खाने बैठा था, मैंने उनको कहा कि बस अब बहुत हो गई रोटी, अब मत लाना। उन्होंने कहा बहुत हो गई, अभी तो आपने करके अभी तो 11वीं खाई है। माने 11वीं ये सुनते ही लगा कि इनको एक एक की गिनती पता है, वो ऐसा सोचा कि अभी तो ये 11वीं है, उनके घर पर वो आखिरी खाना था, कि ये गिनती रोटी की गिनती। तो ऐसे ही यहां पर नौवा नमो, और वो ध्यान की मुद्रा है, ये चल रहा है मगर मेरा हृदय पीड़ित है, मैं इसमें सम्मत नहीं हूं, ये चल रहा है, असल में तो भक्ति का भाव भी भले शुद्धोपयोग नहीं हुआ तो भी इतनी सहजता से चैतन्य तत्व विचार ही चलता रहे, अनुभूति नहीं होती है तो ठीक, विचार तो चैतन्य का ही चलता रहे, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ज्ञान में ज्ञान का अनुभव ये हो रहा है, ये हो रहा है, इसका अभ्यास करे वो कायोत्सर्ग तक पहुंचने का उपाय है, नौकार मंत्र उपाय नहीं है। आगे शांति धारा, वो भी ऐसा ही है, कैसी शांति धारा थी, क्या क्या करते हैं शांति धारा में, शांति धारा में बोलिया, पहले तो बोलते बोलते कि नहीं बोलते बोलिया, ये सब अभी उसमें
मेरे को न बुलवाओ और शांति रखो, वही शांति धारा है। बाकी अभी आगे अपन लेते हैं पेज नंबर 264 पर। अब विसर्जन का टाइम आया, अब बहुत खाया चावल ये सब, अब विसर्जन करो। अब जो विसर्जन होता है ना, उसको जब पढ़ते हैं ना, तब भी तुम सुनना क्या क्या बोलते हैं। अभी चलो विसर्जन के समय क्षमापना करते हैं। यहां पर मिथ्यात्व के मल का विसर्जन होना चाहिए था, ये भक्ति का पूजा का परिणाम ये आना चाहिए था। खास करके जब ये विसर्जन आता है तब हम इतने भाव विभोर हो जाते हैं, बिन जाने वा जान रही टूट जो कोई, ऐसा कर कर करके, हे भगवान ऐसा मैं तो पूजा विधि जानता नहीं हूं। जानता नहीं है तो एकाध ऐसा क्लास रख लेता ना, किसने मना किया था। ये जो अभी अपन कर रहे हैं पूरे भारत में एक बार हरेक मंदिर में होना चाहिए। हरेक मंदिर में पूजा रोज होती है, मगर करते समय कौन सा भाव आए एक बार तो ये, इसलिए ये सत्संग का अभी जो रिकॉर्डिंग हो रहा है ये सारी दुनिया में पहुंचा। गुरुदेव की ये पुकार, गुरुदेव का पूजा के समय किस प्रकार का अभिप्राय था। राग के विकल्प में धर्म नहीं है, फिर भी ये भाव आता है तो कैसी उदासीनता थी। गुरुदेव की महिमा को सारे जगत में हम पहुंचाएंगे। गुरुदेव के ये जो वचन, राग के विकल्प में धर्म नहीं, और अंत में जो ये कहा क्षमापना के टाइम पे, मंत्रहीन हूं क्रियाहीन हूं और ये जो भी मेरी भूल हो गई है रही टूट जो, कुछ जो भूल चुक हो गई है तो उसके बदले माफी चाहता हूं। पूजा के अंत में कोई रही टूट जो कोई, कोई भूल रह गई है, कोई भूल नहीं, पूरी की पूरी भूल थी, एकड़ा वगरना मिंडा छे, तो पूरी एक ही नहीं है। किसी को चेक लिख करके दिया और 000 सब लिख के दिया, उनको कहा कि थोड़ी कोई भूल रह गई हो तो माफ करना, बोले पूरी की पूरी भूल है, एक तो है ही नहीं। तो सब मंत्र पढ़ते गए, सब श्लोक पढ़ते गए, मगर सम्यक दर्शन का एक नहीं था, यही तो सबसे बड़ी भूल है। इसलिए हे भगवान, ये जो भूल रह गई है इस भूल को मैं दूर करूंगा, उसके लिए भी फिर मैं अपने में ही जाऊंगा, आप में नहीं। ये विसर्जन होता है। बोले महावीर भगवान नो जय हो, बोले श्रीमंत भगवान नो जय हो, बोले चंदा प्रभु भगवान नो जय हो, बोले जिनवाई महा बोलो आज के आनंद की। ये मिथ्यात्व है, क्योंकि आज कौन सा अतीन्द्रिय आनंद आ गया कि उसकी जय। ये तो विकल्प का जहर है और जहर की जय नहीं होती। जिस मंदिर में आज के आनंद की जय बोली जाती है
वहां मिथ्यात्व का पोषण है। आज के आनंद कीजिए, ये तो राग वाला आनंद, वो राग वाला आनंद, हलवा पूरी खाकर के तुम उठते हो और बोलते हो आज के आनंद की जय। ये अतीन्द्रिय आनंद नहीं है, ये इंद्रिय सुख है, ये कल्पना है, इसकी जय नहीं। आज के आनंद की जय मत बुलाओ, वो आनंद स्वरूप चैतन्य है, उसमें उपयोग समाये वही जयकारा है। बोलो वितरागी सनातन दिगंबर जय धर्मो। अब परिक्रमा करते, इतना स्थिर नहीं हो पाए तो थोड़ा घूमेंगे। सामने से भगवान को निहार करके चैन नहीं पड़ा तो चारों ओर से अब निहारते हैं, चारों ओर से। मगर इसके पीछे भी हे भगवान, यहां परिभ्रमण मैंने इतना किया है, अब इस परिभ्रमण में, इस परिभ्रमण का अंत हो, इसके लिए मैं अब घूमता हूं। ये घूमते समय भी जागृति, ये घूमते समय भी जागृति कि जैसे घड़ी के कांटे घूमते हैं उस तरह से हम यहां पर घूमेंगे। मगर घड़ी के कांटे घूमते हैं, उसके बीच में जो कील है वो कील घूमती नहीं है, वो स्थिर रहती है। तो मैं तो आपका भक्त हूं और आप भगवान हैं। भक्त भगवान को ऐसे चारों ओर घूमता है, भक्त भगवान की ओर चक्कर लगाता है, परिणमन करता है। इसका मतलब ये कि ये पर्याय जो है वो त्रिकाली भगवान की ओर चक्कर लगाए, अर्थात परिणमन इस पर्याय का हो, ये प्रदक्षिणा का भाव है कि पर्याय द्रव्य की प्रदक्षिणा करे, ये असली प्रदक्षिणा है। फिर वो यहां बैठा रहे तो प्रदक्षिणा हो गई, प्रदक्षिणा हो गई। इसके बारे में मैं विस्तार से सत्संग में कहूंगा, प्रदक्षिणा के बारे में भी, और भी जो अधूरा रह गया है, जो टूट जो कोई अधूरी रह गई है उसे वहां पर पूरी करेंगे, अभी नहीं। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया, आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण